गौरव, तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे दादाजी इसी साइकिल पर तुम्हारी दादी को घर लाए थे, और फिर तुम्हारे पापा मुझे इसी साइकिल पे घर लेके आए थे। आज इस घर में जो कुछ भी है इसी साइकिल की वजह से है, तो तुम्हें भी रीति को शादी के बाद इसी साइकिल पे घर लेकर आना पड़ेगा। मूंगफली का शकल क्या लटकाए हो हैं? तुम्हारी तो कल शादी होने वाली है अरे क्या हुआ? कुछ कर ले। हाँ कर लो। हैं क्यों? क्या क्या यार, रीति को कैसे बताऊं? किसकी बताई साइकिल पे होनी है क्या भाई साहब? साइकिल बिदाई साइकिल पे बिजाई साइकिल पे शर्मा ठीक है नहीं हज रहे अब यार तुम भी ले। लेकिन गौरव भाई एक बात बताओ, पंडित तो हम भी हैं, लेकिन यार इतने मॉडर्न तो हम भी हो गए हैं कि भैया धोती से निकल के जीन पैंट में आ गए। लेकिन यार धोती की हवा की बात ही कुछ आती है, जीन पैंट टकरा टकरा सा लगता है। यार शर्मा, वो धोती वाली बात है। अच्छा साइकिल का कुछ करो, ये बताओ भाई। साइकिल का? हाँ करो कुछ, बताओ, समझ में नहीं आ रहा। लाओ दिखाओ। क्या दिखाओ? दिखाओ दिखाओ। क्या दिखाऊं? दिखाओ, अब तो तुम बस दिखाओ। क्या क्या दिखाऊं? अरे हाथ दिखाओ। बाएं नहीं दाएं। हाँ काला दिख रहा है तुम्हारा हाथ। अरे तुम भी ना शर्मा। अबे शर्मा बोलेगा कुछ? क्या खत्म? क्या खत्म? खत्म। अरे क्या खत्म? ये देख रहे हो ये क्या? राहु और केतु। ये कौन है भैया? राहु और केतु कुंडली में पैर पसारे बैठे हैं। बुध जो है वो मंगल के साथ भाग गया है, चंद्रमा टेढ़ा हो चुकी है, और शनि तो साइकिल के रूप में 7.5 लगाए बैठा है। अबे क्या बात कर रहे हो? हिंदी तुम मेरी बात सुनो। कि अगले 6 महीने तक साइकिल से तुम दूरी बनाए रखना। 6 महीने तक साइकिल नाम के योग से दूर रहो। अबे 6 महीने पागल हो गए? 6 महीने नहीं ना, नहीं क्या? हाँ 6 महीने साइकिल देखना भी पाप है तुम्हारे लिए। अबे दोस्त है यार तुम्हारे, झूठ थोड़ी बोलेंगे। तुम यार बकवास कर रहे हो, झूठ बोल। हम बकवास कर रहे हैं? नहीं हम बकवास कर रहे हैं। हम बकवास कर रहे हैं? अरे क्या? हाँ अरे भाई नहीं 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 मैं जा रहा हूँ अभी। कहाँ? 6 महीने रुक सकता मैं? अरे रुकना पड़ेगा। अरे भाई क्या बताया? रीति? अच्छा कौन रीति? अरे तुम्हारी भाभी यार। मोचा इसे बता ना, तुम नहीं जा सकते, अनर्थ हो जाएगा। बस तुम नहीं जा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत मारो। नहीं नहीं मारो लो यार, तुम्हारे दोस्त हैं वे, भाई बोलते हैं तुम्हें। भाई यार तुम जाओ यार। अरे कैसे जाओ? अरे रुक, मैं जा रहा हूँ अभी भाई, 6 महीना नहीं है मेरे पास। रुकना पड़ेगा, अनर्थ हो जाएगा नहीं तो। साइकिल भाई शादी नहीं होगी शर्मा, तो समझ नहीं रहा बात को यार। शादी गई दुनिया के खेत में, साइकिल है बहुत दो से ज्यादा ना। ना मैं जा रहा हूँ। अरे रुको यार, मैं जा रहा हूँ। अरे गौरव बाबू, अरे तू भी पियो यार। Thank you.
आंटी तो नहीं ना? नहीं नहीं, वो तो शादी के कार्ड बांटने गए हैं। ओके, लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात। ठीक है, बैठ तो जाओ, इतना टाइम नहीं है। हाँ, पहले पहले बैठ जाओ, फिर बातें करेंगे। यार रीति जल्दी आओ यार। आ रही हूँ गौरव। रीति जल्दी आओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके बाबा, बताओ क्या बताना था। देखो कल मैं तुम्हें ये बताने आया था। क्या गौरव? कि शादी के बाद। शादी के बाद क्या मतलब? शादी के बाद हमें साइकिल पे क्या बोल रहे हो? शादी के बाद साइकिल पे बैठकर। गौरव मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, शादी के बाद साइकिल पे बैठ के नहीं बैठ मतलब शादी के बाद साइकिल पे बैठ के जाना पड़ेगा। क्या, किसकी शादी? रीति हमारी शादी और किसकी? तुम पागल हो गए हो यार। रीति इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? अरे तुम खुद इमेजिन करो ना, मैं साइकिल चला रहा हूंगा, तुम पीछे बैठी हुई होगी और चारों तरफ से फूलों की बारिश हो रही होगी। सोचो ना कितना यूनिक होगा। इसमें यूनिक क्या है? और हम शादी कर रहे हैं या फिर कोई कॉमेडी शो? रीति ये कोई कॉमेडी शो थोड़ी हुआ। देखो गौरव ये तो पॉसिबल नहीं है। और यार साइकिल पर ही क्यों? रीति हमारे घर का रिवाज है। गौरव अभी तुम कैसे आए हो? गाड़ी में। कौन सी वाली गाड़ी? ऑडी। तुम मेरे घर ऑडी पर आए हो और अपने घर मुझे साइकिल पर लेके जाओगे? यार ये कैसा रिवाज है? यार रीति हमारे घर का यही रिवाज है कि हम नई बहू को पुश्तैनी साइकिल पर ही लेकर आते हैं। गौरव मेरे ना वहां पर दोस्त होंगे, भर भर कर रिश्तेदार होंगे और उनके सामने मैं, वो भी साइकिल पर? ये नहीं हो सकता। हाँ तो मैं भी तो होऊंगा ना साइकिल पे सबके सामने। यार तुम्हारी इज्जत हो ना हो पर मेरी है। रीति ऐसे तो मत बोलो, देखो मम्मी ने कहा था तो मैंने तुम्हें बता दिया। यार तुम मम्मी को कह दो मैं ये सब तमाशे नहीं करूंगी। ये तमाशा थोड़ी हुआ। देखो ये मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी और अब मम्मी की भी।
कीर्ति? हेलो। हाँ आवाज नहीं आ रही? आ रही है, बोल ना। यार एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हाँ यार, वो साइकिल चोरी करवानी है। साइकिल चोरी करानी? किसकी साइकिल? अरे वही जो गौरव के घर में खड़ी रहती है। पर क्यों? यार वो सब मत पूछ, बस मेरा काम करवा दे। ओके डन। चल भाई मैं तेरे को फोटो भेजती हूँ। गौरव कहाँ पर हो तुम? ये मत पूछो कि कहाँ पे हूँ। क्यों, क्या हो गया? यार रिति, वो जो साइकिल थी ना। हाँ यार, वो चोरी हो गई है। साइकिल चोरी हो गई? हाँ, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मैं तुमसे बाद में बात करूँ क्या? हाँ ठीक है, हम लाते पार्क में मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। हाँ रहती अपन। यार पहले तुम बैठो, अब मुझे ये बताओ कि तुम इतना उदास क्यों? यार रिति, वो जो साइकिल थी ना। हम्म। यार वो चोरी हो गई है। ठीक है यार, एक साइकिल ही तो थी। ये क्या मतलब हुआ एक साइकिल ही तो थी? यार रिति, वो साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट है लेकिन अब तो चोरी हो गई ना। चोरी हो गई क्या बोले जा रही हो यार? गौरव यार तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? रिति मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस थोड़ा सा परेशान हूँ। सुबह से साइकिल ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। देखो गौरव, वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि मेरी विदाई एक साइकिल पर हो, और मेरा भी मन था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा मन था लेकिन चोरी नहीं की? रिति क्या बोले जा रही हो ये? मतलब मैंने कुछ नहीं किया। हाँ तो मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? क्या बोल रही हो? तुमको छुपा रही हो ना मेरे से? नहीं गौरव। देखो रिति, ये मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी। मेरे दादा मेरी दादी को भी इसी साइकिल में लेकर आए थे, और मेरे पापा मेरी मम्मी को, और अब मम्मी भी चाहती हैं कि मैं भी तुम्हें इसी साइकिल में लेकर। और रिति अगर ये साइकिल नहीं मिली ना तो हमारी शादी नहीं हो सकती। बस गौरव, वो साइकिल चोरी करने को कहा था ना तुझे, हमें वापस चाहिए। कौन सी साइकिल, कौन सी चोरी, क्या बोल रही है?
यार तुझे कल रात में फोटो भी भेजी थी और कॉल भी तो किया था तेरे को। अच्छा कल रात को? हाँ वही साइकिल जो गौरव के यहाँ से ली थी। अरे यार एक्चुअली कल रात को मैं बहुत हाई थी, मुझे शायद याद नहीं रहा होगा। तूने साइकिल? वैसे मैंने नहीं चुराई कोई साइकिल। तूने साइकिल नहीं चुराई? नहीं। तो फिर किसने चुराई? व्हाटएवर यार किसी ने भी चुराई हो, तू तो यही चाहती थी ना। मैं जानती हूँ जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है, पर आप अगर मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। गौरव हमारा एक लौता लड़का है और मैं चाहती हूँ उसकी शादी इस शहर की सबसे बड़ी शादी हो, मगर हमारे यहाँ की वो साइकिल वाली रिवाज शायद किसी को भी पसंद नहीं आएगी। और रीति बहुत अच्छी लड़की है, मैं नहीं चाहती इसकी वजह से इनकी शादी में कोई प्रॉब्लम हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इनकी शादी खुशी के साथ हो, ना कि किसी रिवाज के कारण इन्हें शर्म आए। इस साइकिल के बारे में हमें पता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है, पर ये समाज नहीं समझ सकता। इस जगह के अलावा और कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती इसे छोड़ने के लिए, क्योंकि हम भी पहली बार यहीं मिले थे जब तुम इस साइकिल पर बैठ कर आए थे और मुझे वो गुलाब का फूल दिया था। मैं इस साइकिल को यहीं छोड़कर जा रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारे बेटे की शादी में कोई समस्या ना आए। आपकी और बस आपकी शांति।
गौरव, गौरव, तुम्हारी साइकिल मिल गई है। क्या बात कर रही हो गौरव? क्या हुआ? कौन है? अरे वो साइकिल मिल गई है।